अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई रेसिपी, मूंग दाल का चीला। ये एक हेल्दी रेसिपी है और अगर आप डाइट प्लान बना रहे हो अपना या फिर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपके लिए रेसिपी बहुत ही फायदेमंद है। उसके लिए हम लेंगे मूंग का मोगर। ये आपको बाजार में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा बारीक रहता है और आप इसे देखें कि ये अच्छे से साफ हो। अगर ये अच्छे से साफ नहीं है तो आप इसे प्लीज एक बार अच्छे से साफ कर लीजिए। ये हमने लिया है लगभग एक कटोरी। इसे आप लगभग एक ग्लास पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए और अगर आप इसे शाम को बनाना चाहते हैं तो 5-6 घंटे भिगोने पर भी ये अच्छे से भीग जाता है। भीगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि हम इसका अच्छे से पेस्ट बना पाए। देखिए हमने चटनी वाला जार ले लिया है। अब इसमें हम दाल को ट्रांसफर कर देंगे। इसे पीसते समय आप इसमें ज्यादा पानी ना डालें। देखिए हमने सारी दाल को एक जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, 5-6 लहसुन की कलियां और 4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए हमारा बैटर बनके रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रखिए, ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए। इसीलिए हमने कहा था कि इसमें धीरे धीरे आप पानी ऐड कीजिए ताकि ये ज्यादा पतला ना हो। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 हल्दी पाउडर। सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर बनके रेडी है। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। उसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़े से राई। देखिए हमारा जीरा और राई अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ऑनियन, इन्हें हमने बारीक कट कर लिया है, और गाजर, इसे देखिए हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 चम्मच सादा नमक और 1/4 टीस्पून काला नमक। इन्हें मिक्स कर देंगे और अच्छे से पकने देंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से पक गए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 1 टमाटर, इसे हमने बारीक कट कर लिया है। टमाटर को हम 20-30 सेकंड के लिए पकने देंगे ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड पनीर। ये लगभग 200 ग्राम है। इसे हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और हरा धनिया। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वाओ, देखिए इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी दिख रही है और ये उतनी ही हेल्दी भी है। पनीर को हम अपनी डाइट में जरूर इन्वॉल्व करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से एक फायदा होता है, इसमें कलर बहुत ही अच्छा आएगा और आपका मसाला ज्यादा तीखा भी नहीं होगा। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब ये बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए इसे गैस से उतार लेते हैं और हमारा चीला बनाने की तैयारी करते हैं। मूंग दाल का चीला बनाने के लिए हमने एक डोसा का पैन लिया है। आप इस तरह का पैन मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम जब आप चीला बना रहे होते हैं तो
तो इसमें थोड़ा सा चिपक जाता है, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसे ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से फैला लूंगी। परफेक्ट। तो चलिए अब हम इसमें हमारा बैटर डाल देते हैं जो हमने प्रिपेयर किया था। बस 1-1.5 टेबल स्पून, और इसे आप इसी तरह से अच्छे से फैला लीजिए। आप चीले की साइज इतना बड़ा रखना चाहते हैं आप उतना बड़ा इसे फैला सकते हैं, पर ध्यान रखें कि आप ज्यादा बारीक ना करें वरना इसे उठाने में हमें प्रॉब्लम होगी और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसे 2 मिनट के लिए ढककर भी पका सकते हैं, उससे और भी जल्दी बनके तैयार हो जाता है। गैस की फ्लेम को हम पहले फुल पे रखेंगे ताकि ये बाहर से अच्छे से पक जाएगा और ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी स्टीम से अच्छे से पक जाएगा। फुल फ्लेम रखने से एक फायदा और होता है कि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से फूल जाएगा और हमारा चीला बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हमने गैस के फ्लेम को कम कर दिया है क्योंकि देखिए इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब जो हमारा चीले का बैटर है वो अच्छे से फूल गया है। आप चाहें तो इसे बिना लिड के भी पका सकते हैं, ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आ गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। लिड को हम हटा लेंगे और एक बार चीले को चेक करेंगे। आप इसे ट्राई करके देखिए कि इसने अच्छे से पैन को छोड़ दिया है। बहुत ही आसानी से हम इसे पलट पाएंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ये नीचे से अभी थोड़ा सा कच्चा है। आप चाहे तो इसे डबल बार भी सेक सकते हैं और फर्स्ट टाइम आप इसे पलट के सेक सकते हैं, देखिए। और अगर आप सिर्फ 2 ही बार सेकना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा और टाइम दीजिए, ये अच्छे से सिक जाएगा। तो चलिए अब हम इसे इस तरफ से भी सेक लेते हैं। चीला बनाते समय आप ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हमेशा सिंपल रखें, तभी आपका चीला एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार होगा। अगर जल्दबाजी में आप इसे फुल फ्लेम पर बना लेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ये हेल्दी भी नहीं होगा। अब हम इसे चेक करेंगे और इसे दूसरी साइड के लिए पलट लेंगे। देखिए हमारा चीला अच्छे से सिक गया है। आप इसे ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं ताकि जो इसके कॉर्नर्स है वो भी अच्छे से सिक जाएंगे। देखिए हमारा चीला दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने स्टफिंग प्रिपेयर की थी। देखिए हमने स्टफिंग को अच्छे से फैला लिया है, इसे फोल्ड कर देंगे। हमारा चीला बनके रेडी है, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए हमारा चीला बनके तैयार है, आप इसे इसी तरह से तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही वरदान रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।